नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा, आप देख रहे हैं amourjala.com। मैं हूं रुड़की के सिविल अस्पताल में। यहां पर कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में हुई महिला चिकित्सक की हत्या दुष्कर्म के विरोध में चिकित्सक हड़ताल पर हैं, नर्सिस हड़ताल पर हैं और पूरा स्टाफ हड़ताल पर है, जिसके कारण उपचार के लिए आए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को बिना उपचार के लौटना पड़ा। अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 600 मरीज उपचार के लिए आते हैं, लेकिन आज मरीजों को उपचार नहीं मिल पाया। ओपीडी बंद थी, इमरजेंसी और पीएम कुछ छोड़कर बाकी सभी स्वास्थ्य सेवाएँ बंद रही, इसके कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों को निराश ही अस्पताल से वापस लौटना पड़ा। नाम है आपका? नसीबा। कहाँ से आए हैं आप? भागापुर। किन डॉक्टर को दिखाने आए थे? चंदर वाले को, खान वाले को। अच्छा, तो अभी वापस जाएंगे आप? हाँ जा रहे हैं। किसी प्राइवेट में जाएंगे? नहीं नहीं, कहाँ से? कौशल नाम है। यहाँ पर आए थे हॉस्पिटल में आप, किसको दिखाने आए थे? तो अभी डॉक्टर मिले नहीं जी, अभी दूर से आए तो देखना तो। अच्छा, अब फिर वापस जाएंगे आप जी? जब प्राइवेट में जाएंगे दिखाने के लिए जी? नहीं, इधर ही आए थे। अच्छा, इलाज यहीं से चल रहा था? हड़ताल की जानकारी नहीं थी? नहीं, इधर से ही चल रहा। अच्छा, हमको बोल रखा था कि 16-15 के बाद दिखाना। अच्छा, किन डॉक्टर को दिखाने आए थे? क्या नाम है आपका? यहाँ पर क्या करने आए थे? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो हड़ताल की जानकारी नहीं थी आपको? कहाँ से आए आप? काफी दूर से आए हैं ना? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।